असलम एवरी वन कैसे आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शेख अफीफा व्लॉग्स सो सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह हम सबको पूरे रोज़े रखने की हिम्मत और ताक़त अदा करे आमीन सुम आमीन तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो मैंने प्रिपेसन की है रमज़ान की वो आप लोग के साथ शेयर कर तो मैं सबसे सब पहले आप लोग से एक बात करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे सपोर्ट करेंगे तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दें सो so यहाँ पे अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले जो मेरा काम है वो है शक्कर मैं शक्कर पीसने लगी हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि जब शरबत बनाना रहता है जैसे कि हम सभी को पता है कि शरबत के बिना तो अफ्तार अधूरी रहती है तो यहाँ पे जो है मैं शक्कर पीस के रख लेती हूँ क्योंकि उस टाइम पे जो है ये शकर को घोलना घोल के शरबत बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम रहता है क्योंकि इसमें जो है बहुत टाइम वेस्ट होता है और इतना ज़्यादा हम लोग के पास वक्त नहीं होता है क्योंकि रमज़ान में जितना हो सके उतनी इबादत करनी चाहिए और ये सारे काम जो है पहले से करके रख लेने चाहिए जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं वो काम तो हम पहले से ही करके रख लेते हैं और शक्कर को घोलना मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये पिसी हुई शक्कर बहुत सी चीज़ों में काम आ जाती है जैसे कि हमें शिकंजी बनानी है या कोई सा भी शरबत बनाना है स्मूदी वगैरह जो भी बनानी है उसमें शक्कर ज़रूरी यूज़ होती है तो इस वजह से हम इसको पीस के ऐसे डब्बा भर के रख लेते हैं और ये आराम से पंद्रह बीस दिन चल जाती है उसके बाद यहाँ पर हम ये प्याज चॉप्ट करने लगे थे क्योंकि प्याज भी एक ऐसा काम रहता है जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इसको छीलना फिर उसके बाद इसे चॉप्ट करना और जब बहुत जल्दी हो रही होती है तो ये होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से अगर आपको टाइम बचाना है तो प्याज को लाजमी चॉप करके रख लें ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें और ये ना एक ऐसा काम है जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खलता है क्योंकि मैं डेली रूटीन में भी यही करती हूँ कि प्याज और ढेर सारी छील के इसे चॉप्ट करके एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ और फिर मुझे जब भी यूज़ करना होता है जब भी यूज़ के लिए चाहिए होता है मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसे तुरंत तुरंत का छीलना काटना बहुत मुश्किल लगता है मुझे और बहुत खलता भी है काम एक्चुअली तो इस वजह से मैं जो है डेली रूटीन में भी ऐसा करती हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी ढेर सारी प्याज़ चॉप हो गई थी अब इसे मैं एयर टाइट डब्बे में करके और फ्रिज में स्टोर कर दूँगी और ये काफ़ी तक चल जाएगी एंड देन नेक्स्ट जो काम था वो था थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है किचन की मुझे बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी बिकॉज मैं तो थोड़े टाइम पहले ये भी मतलब बिफोर वन वीक में अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ किचन मतलब डीप क्लीन कर चुकी हूँ सो इस वजह से मुझे बस थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लीन करना था और ये जो ग्लास जा रहे हैं ये एम्प्टी हो चुके थे तो मैंने सोचा था इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी उसके बाद इसमें चीज़ें रिफिल करूँगी सो यहाँ पर मैं जो है कुछ चीज़ें लेकर के आई थी वो देखने लगी थी देखने के आया बस मुझे वॉश करना था मैंने सोचा इन्हें भी धुल धुला के तो यहाँ पर मैं लेकर के आई थी जग क्योंकि मुझे शरबत के लिए एक जग चाहिए था तो मैं ये शीशे का जग लेकर के आई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत सोबर सा लग रहा था तो मैंने ये लिया था उसके बाद में ये लेकर के आई थी एक बाउल चाहिए था मुझे जो कि आ, मतलब ढक्कन के साथ होना चाहिए तो इस वजह से मेरे पास बाउल हैं काफ़ी बट ये लिड वाले एक भी नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बड़े साइज़ का और जैसे कस्टर्ड वगैरह या कुछ भी स्वीट में बनाते हैं तो इसको ढक्कन के साथ ढक के और फ्रिज में रख दो तो ज़्यादा बेटर रहता है तो इस वजह से मुझे लिड वाला था तो एक ही लेकर के आई थी वैसे तो बहुत सारे हैं तो इस वजह से बस एक ही मैंने लिया तो यहां पे मैंने काफी बर्तन जो है वॉश करके रख दिए हैं जार वगैरह भी सब धो दिए हैं और ये जब अभी जो है अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो इसमें चीजें जो है रेफिल कर दूंगी फिर से तो साफ़ सफ़ाई का कुछ ऐसा मसला है मेरे साथ कि मैं जो है कोई चीज़ भी यूज़ करती हूँ तो उसे तुरंत ही मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मतलब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ जैसे माइक्रोवेव हो गया या गैस से मैं अगर खाना बना रही हूँ खाना बनाने के बाद मैं अच्छे से उसे क्लीन कर देती हूँ कि ऐसा लगता ही नहीं कि पे है कि उस पर खाना भी बनाए क्योंकि मुझे जो है सफ़ाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है और डेली बेसिस पे अगर आप चीज़ें साफ सुथरी रखते हैं तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो इस वजह से मैं तो डेली डेली सारी चीज़ें जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ उसे फ़ौर ही क्लीन करती हूँ और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ें और बहुत साफ़ सुथरा सब कुछ इस तरीके का जो है माहौल बहुत अच्छा लगता है तो मुझे वैसे सब बोलते हैं कि तुम्हें सफ़ाई का कीड़ा है सच में मुझे एक बीमारी जैसी है सफ़ाई की तो मुझे हर एक चीज़ साफ़ सुथरी दिखती है तो मुझे बहुत सुकून सा मिलता है तो इस वजह से मैं डेली बेसिस पर ही सारी सफ़ाई करती और यहाँ पे देखिए ये इसमें थोड़ा सा ऑयल जैसा लग गया था तो मैं सोच रही थी कि इस पर पे एक पेंट जो स्प्रे आता है वो कर दूँ गोल्डन या फिर वाइट तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लेकिन मैंने फिर सोचा कि छोड़ो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं क्योंकि अभी बहुत सारे मुझे काम करने थे तो इस वजह से मैंने बस ऐसे ही क्लीन करके इसे रख दिया तो ये कुछ बॉटल्स हैं जो हम थोड़ा टाइम पहले लेकर के आए थे सॉस वगैरह रखने के लिए बट मैंने सोचा कि रमज़ान में ही निकालेंगे तो आज मैंने निकाले मैंने सोचा इसमें सॉस वगैरह फिल कर लेते हैं और एक्चुअली में होता गया है ना कि जब हम सॉस वगैरह किसी भी चीज़ में डालते हैं तो कभी कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके से गिर जाता है और बड़ा मुश्किल सा लगता है उस टाइम तो इसमें डालने से बहुत जो है आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं आपको जितना चाहिए उतना ही निकलेगा आप उतना ही निकाल के इसको आराम से जो है यूज़ कर सकते हैं तो इसमें मैंने फिल कर दिया था टोमेटो सॉस और इसे अब हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकेंगे इसमें डालूंगी मैं सोया सॉस क्योंकि वो भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं उसे डालती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादातर गिर जाता है तो मुझे बड़ा मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है बड़ा गुस्सा सा आता है तो इस वजह से मैंने सोचा कि सोया सॉस जो है इसमें डाल के रखूँगी तो बहुत आसानी से मतलब ईज़िल हम यूज़ कर सकेंगे तो ये जो डब्बा है ये मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और ये ड्राई हो गया इसमें मैं रखती हूँ रस और रस की तो बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि मैं शहरी में जो है मतलब कुछ भी खाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जाता है तो इस वजह से मैं चाय के साथ रस बिस्किट ही खाती हूँ तो वो भी मैंने अच्छे से देखी इसमें डब्बे में डाल के रख दिए हैं एंड अब आती है पापड़ की बारी और पापड़ के बिना भी अवतार जो है अवतारी आपकी अधूरी रहती है मतलब हम सब की अधूरी रहती है ज़्यादातर कौन कौन अग्री करता है ये प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और ये सारे जो रहते हैं ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट रहते हैं तो ये देखिए मैंने डब्बे में ये भी डाल के रख दिया और मैंने पॉलीथीन से नहीं निकाले क्योंकि होता क्या है ना कि पॉलीथीन से निकाल के अगर यूँ ही रख दूँ तो थोड़ा सील जाते हैं थोड़े दिनों के बाद थोड़ा सा सील जैसे जाते हैं तो फिर धूप दिखानी पड़ती है तो इस वजह से मैं पॉलीथीन में ही करके रखती हूँ और यहाँ पर मैं बेसन बनाने की तैयारी करने लगी थी क्योंकि बेसन जो है मैं थोड़े से जो स्पाइसिस रहते हैं वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ मतलब मिक्स करके रख देती हूँ तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका टाइम बहुत बच जाता है और आपको जो है बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती मुझे जी कितना क्या डालना है तो इस वजह से मैं पहले ही थोड़ा सा मतलब बेसन इतना रेलती हूँ कि हाँ ये हफ्ता भर तक चल जाए आराम से तो इतने बेसन में देखिए पहले मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर उसके बाद मैंने डाला है थोड़ी सी कसूरी में थी एंड उसके बाद मैंने डाला इसमें चाट मसाला और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक वो सब टेस्ट के हिसाब से आप अपने इसमें डाल सकते हैं सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद एक एयर टाइट डब्बे में डाल के हम इसे रख लेंगे आप अगर एयर टाइट डब्बा नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल से भी किसी डब्बे में डाल के रख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि ये सूखी चीज़ें तो ये ख़राब होने का कोई डर नहीं है तो बस इस तरीके से हम रख लेते हैं और मुझे जो है बहुत ये आसान सी चीज़ लगती है और अब बारी आती है सबसे जो है स्पेशल चीज़ की मतलब स्पेशल जिसके बिना हमारा रोज़ा रोज़ाफ्तार ही नहीं होता है वो है खजूर और यहाँ पे मैं खजूर रिफ़िल करने लगी थी इन जार्स में क्योंकि ये जो खजूर है ये मैंने मदनी से अपन खुद से ख़रीदी थी मतलब वहाँ पे जब मैं उम्र पे गई थी तो और मैंने ये रख रखी थी ये आप देख रहे हैं ब्लैक वाली जो ये अजवा खजूर है और मैंने इसको रखा हुआ था कि मैं इसे रमज़ान में यूज़ करूँगी इन तो वो टाइम आ चुका है और इन मैं इसे रोज़ाफ़्तार करूँगी तो ये सारे जो डब्बे हैं ये मैं निकाल गलायूँ फ्रिज से क्योंकि इसको जो है हमें अच्छे से धोना है मतलब कुछ डब्बे तो साफ़ हैं बट कुछ जो है काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं और मैंने धुले नहीं थे तो वही मैंने धो लिए इनको अच्छे से देखिए ड्राई हो गए उसके बाद हम इसमें नीचे जो है टिशू डाल देंगे ताकि जो है हल्की फुल्की जो भी चीज़ों में सब्जी वगैरह में जो भी हम रखेंगे उसमें नमी रह जाती है उसकी वजह से सड़ने ना पाए तो ये जो है टिशू इसमें डाल के ऐसे आप लोग भी रखा करें और बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहूँगी सो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है बारीक इससे धनिया चॉपड कर लिया था और वो हम इसमें रख के ये एयर टाइट डब्बे हैं और इसको अच्छे से हम जो है बंद करके रख देते हैं तो ये काफी दिन तक ऐसे ही फ्रेश फ्रेश सा धनिया रखा रहता है और बहुत आसानी रहती है किसी भी चीज में आपको डालना है कटा हुआ धनिया रखा है उठा के फट से डाल दे और यहां पे देखिए मैंने हरी मिर्च भी धो के इसके पीछे के जो डंठुर रहते हैं वो तोड़ के ये देखिए अच्छे से मैंने रख लिए हैं और ये काफी टाइम तक चल जाएंगे अब बारी आती है चटनी बनाने की तो ये चटनी जो है ये भी बनाकर मैं पहले से रख लेती हूँ और ये चटनी के लिए मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च थोड़े से लहसुन थोड़ा सा ज़ीरा और ये देखिए मैं डाल रही हूँ जो ये आपको टैम्पटिंग सा दिख रहा है ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्पाइसी रहता है और बहुत मज़े की चटनी बन जाती है इसको इसमें डालने से तो ये जो है ये सिरका था थोड़ा सा मीठा भी है थोड़ा खट्टा भी है मतलब मिक्स मिर्च सॉरी सिरका है ये इसमें लहसन भी पड़ा हुआ है इसमें साबत जो लाल मिर्च होती वो भी डली हुई है तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी डाल के और ये देखिए बढ़िया ऐसी एक चटनी बना ली है और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मिर्च ज़्यादा लग रही थी तो मैंने बाद में इसमें फिर से थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया तो ये देखिए मेरी चटनी भी बन के तैयार हो गई और ये भी काफ़ी दिन तक चल जाएगी क्योंकि हम लोग जो है चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले लोग नहीं हैं इस वजह से ये जो मैं करके रख ली हूँ ये काफ़ी टाइम के लिए मतलब स्टोर हो जाएंगी चीज़ें और यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर भी धो लिए थे शिमला मिर्च इसे भी धो लिया था और इसको भी मैं इस तरीके से धो के मतलब कि सारा जब पानी इसका निचोड़ जाता है तो मैं डब्बे में ही करके रख लेती हूँ एयर टाइट में और बहुत आसान रहता है कि आपको जब यूज़ करना है आप धुली हुई चीज़ें आप निकालें और फट से यूज़ कर लें तो आपको उस टाइम धोना ओना इसे नहीं पड़ता है तो बहुत ईजी हो जाती है लाइफ और ख़ास करके रमज़ान में जो कि इबादत का महीना है तो इसमें ये होता है ना कि जितना वक्त मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें इन सब फ़ालतू कामों में अपना टाइम जो है वक्त मतलब ज़ाया ना करें और हाँ मतलब मैं पर्सनली भी यही कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे भी ये काम जो है बहुत फजूल के ही लगते हैं क्योंकि खाना पीना तो डेली रूटीन में भी चलता ही रहता है और बस ये होता है कि हाँ एक मुबारक महीना है तो इसमें थोड़ी स्पेशल चीज़ें बन जाती हैं हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें जितना हो सके उतनी इबादत करें क्योंकि ये इबादत का महीना है तो इसलिए हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए और देखिए यहाँ पे शाम भी हो चुकी है मगरिब का वक्त आ रहा है और ऑलमोस्ट मेरे काम सारे हो ही गए हैं तो बस अभी हम ब्लॉग यहीं पे एंड करने लगे एंड आप देखिए कितना प्यारा व्यू हो रहा है ये देखिए माशाल्लाह से मगरिब का टाइम होने वाला है सो होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ बाय टेक केयर